हेलो कैसे आप सभी लोग, द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 9th के 26 फरवरी का जो साइंस का पेपर है उसका कंप्लीट जो एमसीक्यू सॉल्व करने वाले, सो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन कल यानी 27 फरवरी में पूछे जाने वाले हैं। सो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वह ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में बिना परिवर्तित हुए गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। तो गैस में बदलने की जो प्रक्रिया कहलाती है उसे कहते हैं ऊर्ध्वापातन, यानी ऊर्ध्वापातन इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं, और जो है सब्लिमेशन कहते हैं उसे इंग्लिश में। तो इसी प्रकार से इसका पहले का सी, कौन सा गैस का गुण नहीं है। तो कौन सा गैस का गुण नहीं है, तो वह गैस का गुण नहीं है वह निश्चित आयतन या गैस का गुण नहीं होता है। ठीक है, डेफिनेट वॉल्यूम गैस के गुण नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा है, तो लकड़ी का जलना यानी बर्निंग ऑफ वुड, ये जो रासायनिक परिवर्तन है। कैल्शियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो कैल्शियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र है Ca3PO4। ठीक है, डी, कार्बन और ऑक्सीजन जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, इसमें द्रव्य के अनुसार कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के अनुपात की बात करें तो 1:2। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वह है क्रमशः 11 और 12। किसी तत्व के समस्थानिकों में होता है, तो किसी तत्व के समस्थानिकों में क्या होता है, तो किसी भी तत्व के समस्थानिकों में होता है एक समान परमाणु संख्या यानी सेम एटॉमिक नंबर। क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो है लगा रखा है हर एक क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में भी, ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुँच सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगातार कहे सर पेपर कैसा आएगा, तो हमने आप सभी के लिए वीडियो बनाई ताकि आप सभी को पता चल जाए कि पेपर कैसे आने वाला है, तो आप उसी हिसाब से तैयारी कर सकें। ठीक है, हर क्वेश्चन के यहाँ पर जो है आंसर की हमने यहाँ पर जो है पहले से लगा रखी है, तो आप सभी देख सकते हैं इंग्लिश पढ़ने के बच्चे भी और हिंदी माध्यम के छात्र भी, हर दोनों छात्रों के लिए हमने यहाँ पर काम किया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा कोशिकांग कई विष और दवाओं का निर्वासीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो कौन सा है। यहाँ देख सकते हैं ए, तो वह है लाइसोसोम, कैसे कहते हैं, लाइसोसोम। बी इसका सही आंसर 8वें का। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसमें पादप में निरंतर कोशिका विभाजन की क्षमता होती है, तो है सी, जाइलम। सी इज द राइट आंसर, जाइलम। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वह है चाल स्थिर रहेगा, वो सीधे पथ पर, क्या होगा, सीधे पथ पर। क्वेश्चन नंबर 11, चाल स्थिर रहेगा जब बस अचानक चलने लगती है, तो बस में खड़ा व्यक्ति पीछे की ओर गिरने लगता है, तो पीछे की ओर गिरने क्यों लगता है, तो वह है न्यूटन के द्वितीय गति के नियम के अनुसार। सी इज द राइट आंसर, यानी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। गतिशील वस्तु के टकराने से कोई व्यक्ति घायल क्यों हो जाता है, तो क्यों हो जाता है, तो होता है संवेग के कारण। किसके कारण, संवेग के कारण, यानी ड्यू टू मोमेंट। ठीक है, गुरुत्वीय तरंग जी का मान क्या होगा, तो गुरुत्वीय तरंग जी का मान होगा ध्रुव और विषुवत रेखा पर समान। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं इंग्लिश में लाइसोसोम, ठीक है, और जाइलम, ऑन स्टेट पास, स्पीड विल कंस्टेंट, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड सी। द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी, तो क्या होगा, गुरुत्वीय तरंग जीवन क्या रहेगा, वो विषुवत रेखा पर बिल्कुल इंक्रीज, किसमें रहेगा, वो रहेगा इंक्रीज फ्रॉम पोलर टू इक्वेटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, माफ़ कीजिएगा 14वें का डी है। ठीक है, इंक्रीज फ्रॉम पोलर टू इक्वेटर, यानी ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ता है, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन 15, जब एक पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी के गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा होगी, तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है, तो उसकी कुल ऊर्जा बढ़ती यानी इंक्रीज होती है। क्वेश्चन 16, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो किस पर निर्भर नहीं करता है, वो करता है बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर नहीं करता, यानी एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो कथन और कारण वाले हैं, तो
17 का जो सबसे पहला होगा वो होगा आपका ए, 18 का ए, 19 का ए, 20 का ए, सबका ए है, ठीक है, सभी का ए है, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारी चीज़ें देख लीजिए। और ये जो सेक्शन बी से क्वेश्चन पूछे गए हैं इसको देख लीजिए आप, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यौगिक में वर्गीकृत करना, आपको कोशिका को जीवन की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, विभोजतक और स्थायी उत्तक को अंतर लिखिए, ठीक है। पशुपालन के क्या लाभ हैं, एक ध्वनि तरंग जिसका आवर्तन काल 0.05 सेकंड है, इस ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, जब इसे गर्म किया जाता है तो क्या होता है, इस अवस्था में परिवर्तन का नाम लिखिए। इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के पेपर में। तो कल के पेपर में इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आएंगे। सो आप इस कंप्लीट क्वेश्चन का जो क्या करना है, आपको इन कंप्लीट क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, रिवीजन करना है, और इसी टाइप के क्वेश्चन अपने अपने उत्तर पुस्तिका में देख लेना है, ठीक है। DNA ये क्वेश्चन आज के पेपर में पूछे गए थे, क्लियर। सो आज के पेपर हमने आपको दिखाया है, MCQ हमने सॉल्व किया है जो हमने आपसे कहा था। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपको कवर करके चलना है कल के पेपर के लिए। आई होप वीडियो पसंद आई, तो वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।